हे सिविल बीइंग्स, मेरा नाम है सागर। मैं हूँ एक आईएएस ऑफिसर, मैं हूँ एक टीचर, प्रोफेशनल ट्रेनर, और हम और आप जुड़े रहते हैं सिविल बीइंग्स चैनल की हेल्प से। आज की वीडियो के बाद रोके से भी नहीं रुकेगी आपकी पढ़ाई। हाउ टू बी अनस्टॉपेबल इन स्टडीज, कैसे करते हैं टॉपर्स अपनी पढ़ाई, क्या होता है उनका टाइम टेबल, और कैसे आप भी उसको फॉलो करके बन सकते हैं एक टॉपर। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसा टाइम टेबल जिसको फॉलो करते ही आप बन जाएंगे टॉपर। घंटा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला इस वीडियो में। ऐसी न जाने कितनी वीडियोस देखकर और कितनी न जाने हजारों लोगों की बातें सुनकर बर्बाद हो रहे हैं आप लोग। पता नहीं कितनी देर की वीडियो होने वाली है। ध्यान से समझिए इसको, और इसको समझने के बाद उसके बाद आपको जितनी टॉपर्स की वीडियोस देखनी है, जितने तरह तरह के इंटरव्यूज देखने हैं, आप देखिएगा, फॉलो कीजिएगा, तो वो आपकी मर्जी है। टॉपर्स टॉप करके अपना टाइम टेबल शेयर कर देते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उनका टाइम टेबल इनफैक्ट वायरल हो जाता है, ऐसी वीडियोस बन जाती हैं जिन वीडियोस को मिलियन व्यूज मिल जाते हैं। हम लोग को इतने सारे कमेंट्स मिल चुके हैं, मुझे अभी तक के कम से कम काउंट अभी तो मैंने किया नहीं है, बट फिर भी 1000 कमेंट तो मिल ही जाएंगे कि सर आपका टाइम टेबल क्या था जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, आप बताइए आपके दोस्तों का टाइम टेबल क्या था, और आप बाकी के टॉपर्स का जो टाइम टेबल था वो हमसे शेयर कीजिए। क्यों भाई, आप भी वही करेंगे जो हमने किया था? इस सवाल का जवाब भी मैं अपने तरीके से दूंगा। मैंने जब ये सोचा कि ठीक है, आप लोगों की बात मानकर टॉपर्स का टाइम टेबल का वीडियो बनाना चाहिए, ये वीडियो आने में लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं उस वीडियो पे काम कर रहा था। फिर बाद में समझ में आया, मैंने खुद से सवाल पूछे कि मैं जब तैयारी कर रहा था यूपीएससी की, तब क्या मैंने किसी टॉपर का टाइम टेबल फॉलो किया था? क्या मेरे किसी दोस्त ने किसी टॉपर का टाइम टेबल फॉलो किया था, या फिर किसी टॉपर ने जिसकी आप वीडियो देखते हैं उसने किसी और टॉपर का टाइम टेबल फॉलो किया है? उनसे पूछिएगा, वो उनकी हैबिट्स और उनके पैशन को ध्यान में रखकर वो खुद बनाते हैं और उसी पे बिलीव करते हैं। मैं और मेरे दोस्तों ने, जो हमारे पूरा एक ग्रुप है, जो सब के सब यूपीएससी सेलेक्ट हो गए, जो पूरे के पूरे जो हमारे दोस्तों का ग्रुप था, उन्होंने जो टाइम टेबल बनाया था, हम लोगों ने, हमने एक दूसरे का भी टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं किया। और जब तक आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं जो मैं आगे बताने वाला हूँ, आप एग्ज़ाम को नहीं, एग्ज़ाम आपको पेलता रहेगा। और मेरा यही जवाब है कि मैं ना टॉपर्स की टाइम टेबल की वीडियो बनाऊंगा, और ना मैंने पिछले पास में कोई ऐसी वीडियो बनाई है कि टॉपर्स का टाइम टेबल, आइडियल टाइम टेबल वगैरह क्या होता है। और ये वीडियो टाइटल्ड है कि हाउ डू टॉपर्स मेक देयर टाइम टेबल, जस्ट बिकॉज टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो सच टाइम टेबल विच कैन मेक यू अ टॉपर, इट इज़ यू एंड ओनली यू, योर पैशन विल ड्राइव यू। तो सच्चाई का सामना करते जो आपने आज तक किया नहीं होगा, करने से डरेंगे भी, और शायद कुछ लोग बोलेंगे छोड़ देते हैं, आप भी पता नहीं आगे क्या होने वाला है। क्यों भाई, जब तक सक्सेसफुल होना है तो सच्चाई का सामना आपने नहीं किया, तो समझ जाइए सक्सेसफुल होना आपके लिए बहुत मुश्किल है। सच्चाई तो यह है कि जो आपको पढ़ने नहीं दे रहा है वो है पड़ोस वाले शर्मा जी का लड़का, या फिर वो मोबाइल में अनगिनत ऐप्स के नोटिफिकेशंस जो आपको कंटिन्यूसली परेशान करते रहते हैं। घंटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, और वो है आपका अपना डर। डर 5 तरीकों का होता है, उन 5 डर के बारे में आपको बताऊंगा आज, और आप पहचानिए कि आपके अंदर वो कौन सा डर है, क्योंकि जब तक डर होगा तभी वो ऐड देखते हो ना, डर के आगे जीत है, तो वो तो ड्यू को तो वो लोग बेच देते हैं डर के आगे जीत है बोल के, बट एक्चुअली दैट इज ट्रू कि डर के आगे ही जीत है। तो आपको अपने डर को पहले पहचानना होगा। इसको समझने के लिए पहले आप अपने आप को समझिए, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सेल्फ अवेयरनेस इज द की टू सक्सेस। मैं बताता हूँ कि वो डर कौन कौन से हैं जो आपके मन में हो सकते हैं, उन 5 डर में से कोई ना कोई डर, या तो 1, 2, 3 या 5 के 5 आपके मन में हो सकते हैं, और इसी को पहचानने में, सेल्फ अवेयर कराने में ही मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ। और मैं ही नहीं, आप लोग भी मेरी हेल्प करते हैं, मुझे इंस्पायर करते हैं आप लोग और भी इस तरह की वीडियोज़ बनाने में, ताकि मैं और ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकूँ। आप जो वीडियोज़ को लाइक करते हैं, और जो आप साथ ही साथ वीडियोज़ को बहुत बड़े लेवल पर जो शेयर्स करते हैं, उससे मुझे भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है आगे और बेहतर वीडियोस बनाने की। तो हम 5 तरह के डर की बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं 5th से। आपको डर हो सकता है कि आपका कोई एम्बिशन ही नहीं है, आपका कोई एम ही नहीं है, दैट इज फियर ऑफ लैक ऑफ एम्बिशन। ये डर तब आता है जब हम अपना एम्बिशन डिसाइड नहीं करते हैं, और फिर जब हमें इसे बोला जाता है कि करो करो और करो, चाहे तो या तो पेरेंट्स बोल रहे हैं, या तो टीचर्स बोल रहे हैं, आसपास वाले देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं, रिश्तेदार बोल रहे हैं, आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोग जो बोलते रहते हैं फिर भी हमें करना पड़ता है, और हमें पता ही नहीं होता कि क्या हम वो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। तो ये है उसका डर। तो पहले उस डर से निकलिए बाहर, कि क्या जो आप कर रहे हैं वही आपका एम्बिशन है, क्या वही आपका एम है? पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती है मेरे दोस्त, मैं सही बता रहा हूँ, पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपना पैशन फॉलो करते हैं और आगे निकल जाते हैं। और फिर लैक ऑफ एम्बिशन से ही लेजीनेस होता है, आलस होता है, प्रोक्रास्टिनेशन होता है, मतलब काम को टालने की आदत आती है, और ये फिर आदत धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और हम जब बड़े होते हैं तो हर काम में प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, हर काम में आलस करते हैं, तो ये एक आदत है, वो बन जाती है। 4th,
रिजेक्ट हो जाने का डर, फियर ऑफ रिजेक्शन। आपको डर हो सकता है कि आप शायद अपने काम में, या फिर आपने अगर किसी को कुछ बोला है या फिर खुद से वादा किया है तो पहले कहीं आप उसको पूरा नहीं कर पाए थे, तो आपका सबकॉन्शियस कहीं ना कहीं आपको ये बोलता रहता है कि भैया फिर से शायद जो है अपनी नज़रों में खुद गिर जाओगे, इसको आप कर ही नहीं पाओगे। तो जब आप नहीं कर पाओगे या आपने पहले से सोच लिया है, तो आपका सबकॉन्शियस आपको कमांड देता है कि भैया करो ही नहीं, रहने दो। एटलीस्ट हमें ऐसी आत्मग्लानि वाली फीलिंग तो नहीं आएगी। तो पहचानिए कि क्या आपको रिजेक्शन का डर है या नहीं। जैसे जब मैंने ये चैनल चालू किया था तो मुझे थोड़े टाइम के लिए आया था फियर ऑफ रिजेक्शन, कि कहीं मैं जो ये चीज़ नई चीज़ कर रहा हूँ, मैं जो लाखों लोगों तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ, क्या जो ये चीज़ है ये करना फिजिबल होगा। बट मुझे पता था कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही है, और अगर एक भी स्टूडेंट इससे इंस्पायर होकर अपनी ज़िंदगी बदल सकता है तो फिर ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए। यही सोच के मैंने स्टार्ट कर दिया था, और आज मैं देख रहा हूँ कि लाखों लोग हमसे जुड़े हुए हैं। तो इसी कारण रिजेक्शन के फियर को तुरंत हटा दीजिए। थर्ड इज, आपको ये डर हो सकता है कि आपका नॉलेज कम है, और क्योंकि आपका नॉलेज कम है इसी वजह से हो सकता है कि आप जो काम करेंगे उसमें पूरी तरीके से अपना 100% नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको उस काम को करने का नॉलेज नहीं है। अब समझिए इस डर को मैंने कैसे ओवरकम किया। मुझे जब मैंने स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब चैनल, तब मुझे वीडियो एडिटिंग भी नहीं आती थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि लोग वीडियोज़ बनाते कैसे हैं। आई एम नॉट टेक सेवी, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर नहीं। तो ऐसे में मैं अपने मोबाइल से शूट करता था, मुझे पता चला कि 2-3 चैनल्स हैं जो मोबाइल से भी शूट कर लेते हैं, तो फिर मुझे पता चला तो मैंने मोबाइल से ही शूट करना शुरू कर दिया, और आज भी ये भी वीडियो मोबाइल से ही शूट हो रही है, नो चेंज एट ऑल। एक यूनिवर्सल फ्री सॉफ्टवेयर मिलता है आई मूवी, उसी यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर को मैंने समझ के उसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करना भी शुरू कर दिया। मैंने बोला कि अब वो नॉलेज जब तक गेन होता रहेगा उसका इंतजार कब तक करेंगे, शुरू करो एटलीस्ट और धीरे धीरे ग्रो करते जाएंगे। आप पुरानी वीडियोस देखिए, अभी की वीडियोस देखिए, आपको अपने आप एक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट मिलता जाएगा। दूसरा और सबसे बड़ा डर, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट जो आपके अंदर फियर होता है, वो आपकी वजह से नहीं है, वो किसी और की वजह से है। और वो जो दूसरा डर है वो है डर आपकी सेल्फ एस्टीम कम होने का डर। वो होता है क्यों? वो होता है हमारी खुद की फैमिली की वजह से, कभी कभी रिलेटिव्स की वजह से, आस पड़ोस वालों की वजह से, दोस्तों की वजह से। ऐसे में जब कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता आपके अच्छे काम के लिए, या फिर आपको कोई सराहना नहीं देता है, आपको ये बोलते हैं कि आपने जो किया है वो ठीक है, इट्स ओके, सभी करते हैं ऐसा, छोटे छोटे कामों के लिए जब आपको अप्रिसिएशन मिलती है तो आपका सेल्फ एस्टीम ग्रो होता है, बिल्डअप होता है। ऐसे लोगों के साथ रहना छोड़ दीजिए जो आपकी सेल्फ एस्टीम को गिरा देते हैं, पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं। ऐसे लोग आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएंगे और आप उससे अपना काम जो है अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इस डर से हटने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको उन लोगों को अपने से दूर करना है जो आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। और द फर्स्ट वन इज़ द फियर ऑफ फेलियर, फेल हो जाने का डर। कि अगर हमने इतनी मेहनत की, यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होता है कि अगर हमने इतनी मेहनत कर ली, 5-6 महीना 8 महीना झोंक दिया अपना, एनी हाउ वो तो करोगे ही, 5-6 महीना झोंक भी दोगे, लेकिन अल्टीमेटली मेहनत करने से डर इसलिए लगता है क्योंकि फेल होने का डर रहता है। और फेल होने का डर क्यों होता है, साइकोलॉजिकली समझिए। फेल होने का डर इसलिए होता है कि क्योंकि हम सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, लर्निंग के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं। और जब हम लर्निंग के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, हम सीखने के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, फिर भैया उखाड़ लो जो उखाड़ना है, कुछ नहीं कर पाओगे। फेलियर के डर से अगर आप डरे हुए रह गए तो ऐसे में आप समझ जाइए कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। और अगर वो डर हट गया तो आप अनगिनत चीज़ें ट्राई करते 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 किसी न किसी चीज़ में सक्सेसफुल ज़रूर हो सकते हैं। तो फेल होने के डर से बिल्कुल हट जाइए, बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेलिए, जैसे कोहली बैटिंग करता है एकदम फ्रंट फुट पे आके, बिल्कुल वैसे, और लगे रहिए अपने काम पे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो नीचे कमेंट में बताइए, और आपका जो भी मन में इन पांचों डर में से जो भी आपका डर आपके मन में बैठा है उसको अभी के अभी नीचे लिख दीजिए, ताकि आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाए कि आपके अंदर कौन सा डर है। और आप बताइए क्या कि इन डरों के अलावा क्या कोई और भी डर है आपके अंदर, अगर ऐसा है तो वो कौन सा डर है, वो भी आप नीचे लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से दबाइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ टॉपर्स की वीडियोज़ के पीछे पड़े रहते हैं, जबकि ऐसा सही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक UPSC सेलेक्टेड IES ऑफिसर हूँ, और मैंने कभी किसी टॉपर का टाइम टेबल फॉलो नहीं किया, मैंने अपना पैशन फॉलो किया। जय हिंद, वंदे मातरम।